वेलकम दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें है 31 शॉर्ट सेंटेंसेस जो कि इंग्लिश इम्प्रूव करते हैं हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा एवरीडे। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है ये, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है वो है किसने बोला, हु सैड, किसने बोला, हु सैड। नेक्स्ट है मुश्किल सी बात है, इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, इस साल भी ऐसा ही हुआ। द सेम थिंग हैपन दिस ईयर। ये सब बेकार है, इट्स ऑल यूजलेस। वो हमारे पीछे हैं, दे आर बिहाइंड अस। गाड़ी के स्पीकर बंद करो, टर्न ऑफ कार स्पीकर। तुम्हारे बिना कुछ नहीं, नथिंग विदाउट यू, तुम्हारे बिना कुछ नहीं। हमें छोड़ना नहीं, डोंट लीव अस। अभी नहीं मरा, नॉट डेड येट। तुम हमारे लिए बहुत अहम हो, यू आर वेरी इम्पोर्टेंट टू अस। तुम्हारे बिन नामुमकिन है। It is impossible to become yours. गलियां बहुत प्यारी हैं। The streets are lovely. तुम्हारा शहर बहुत प्यारा है। Your city is lovely. तुम इसको अच्छे लगते हो। You like it. बस सोते ही रहता हूँ, I just sleep. हम तो मर ही जाएंगे, We will die. तुम भी बन जाओगे, you too will become. Everything will change. आखिरी उम्मीद है, last hope. बच्चों की तरह बातें करते हैं, talk like children. तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूँ, follow you. तुम चले जाओगे, you will go. मुझसे ऊंची आवाज में बात करते हो, You talk to me out loud. फिर तुम्हें पता लगेगा, then you will know. तुम मेरी जगह आकर देखो, come and see my place. पहले बता देते, tell me first. ये नहीं करना था, it was not to be. मिलने के लिए तरसोगे, will wait to me. मिलने के लिए तरसोगे, तुम याद करोगे, you will remember. तुम याद करोगे, अब क्या करोगे, what will you do now. हर रोज कोई मरता है, every day someone dies. हर रोज कोई मरता है। इसी शॉर्ट सेंटेंस के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट और टॉपिक के साथ।